हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे हम एनटीए जेएनयू नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट के बारे में। जैसा कि कैंडिडेट के मन में बहुत से सवाल है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपके लगभग नेगेटिव मार्किंग आपके होने वाली है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन आया था तब उसमें मेंशन किया हुआ था कि 1/4 आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग आपके होने वाली है। पर अब इस नोटिफिकेशन को हटा दिया गया और शॉर्ट नोटिफिकेशन को अपलोड किया गया है, तो उसमें लगभग मेंशन किया हुआ नहीं है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए, तो जब भी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो, तो कंप्यूटर पे आपको सबसे पहले आपको जो यानी कि कुछ लाइनें लिखी होती है, तो इन लाइनों को पूरा पढ़ना है और उसमें आपको जरूर लिखा हुआ होगा कि इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान में रखना है और आप पूरी जो डिटेल होती है नोटिफिकेशन की कंप्यूटर पर, तो उसको आपको पूरा एक बार जरूर पढ़े, जिससे आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और नेगेटिव मार्किंग इसमें आपके कितनी है। तो वो आप जरूर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि एंड वक्त तक कुछ कह नहीं सकते कि इसमें नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अभी लगभग फिलहाल वेबसाइट पे लगभग नेगेटिव मार्किंग के हिसाब नेगेटिव मार्किंग का कोई भी लगभग नहीं यानी कि डिटेल नहीं दी हुई है। जब स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया था तब उसमें लगभग डिटेल दी हुई थी, और अभी मैंने चेक किया लगभग वेबसाइट पे तो लगभग बता रहा है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी कि दूसरी वेबसाइट पे यानी कि किसी लगभग टीचिंग की वेबसाइट है जैसे वहाँ पे, और नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी लगभग अभी मेंशन किया हुआ नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम आप स्टार्ट करें, तब एक एक करके प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है, तब उसमें आप चेक करें, आपको कुछ डिटेल दी हुई होगी तो उसका आराम से चेक करना और फिर आपके एग्ज़ाम को स्टार्ट करना। तो और आपके तो पता चल गया होगा कि आपको प्रोसेस की तरीके से चेक करना है, और आपके इसमें आपके ऑनलाइन बेस आपके एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।